आज मैं आपको दिखाऊंगी माय मिनी ग्लो अप फॉर द अवार्ड नाइट दैट हैपेंड इन मुंबई दैट आई डिड विद इन 24 आवर्स. आल्सो गोना शो यू हाउ आई लाइक टू पैक अ मिनी हॉल इज देयर एंड लास्टली द मेकअप दैट आई डिड फॉर अवार्ड नाइट. हाई एवरीवन, इट्स शालिनी. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. मैं अपने रूम के क्लीनेस्ट एरिया पे इस वक्त बैठी हुई हूँ. इवन तो मुझे लगता है कि इस अलमीरा के रिफ्लेक्शन में आप लोग इस कैमरे के पीछे जो भी हो रहा है वो सब देख सकते हो, बिकॉज सब कुछ मचा हुआ है. एनीवे, सो टुडे इज अ वेरी हेक्टिक डे. आई हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डू. आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो मॉर्निंग, फ्लाइट है मेरी, एंड आई एम गोइंग देयर टू अटेंड अवार्ड नाइट. जो ममा अर्थ और फेमिना का लास्ट ईयर अवार्ड हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने ब्लॉग भी पोस्ट किया था, वही वाला अवार्ड हो रहा है इस बार भी. एंड दे वर काइंड enough to invite me. Flight booking, stay, sab kuch unhone sponsor kiya hai, and I'm super grateful and thankful to them for that. And this is all possible because of you guys. Thank you so much for showing so much love to our channel. Even though award night ek hi din ka hai, but I'm extending my stay in Mumbai, not really for collaboration purpose, but some other purpose which I don't think so I can reveal in this video. Probably you guys will get to know kisi aur video mein, vlog mein. So abhi mujhe award night ka prepping karna hai. So basically I wanted to do like a pamper glow up kind of, you know, ताकि मैं थोड़ी अच्छी लगूँ award night पे, जैसे अभी दिख रही हूँ वैसा ना लगूँ. So this is gonna be like mini glow up in today's video. Also I need to do packing. Oh by the way, let me show you something. दिख रहा है क्या? हाँ, I chopped my hair. खुद ने किया मैंने. सो आई फर्स्ट डे वाइटी शॉर्ट रिगार्डिंग इट एज वेल. बहुत नीचे से ख़राब हो रहे थे बाल, तो आई हैड टू चॉप इट. एंड नाउ आई एम लाइकिंग दिस मच लेंथ. यू गाइज, व्हाट डू यू गाइज थिंक? सो दिस इज द बिफोर, मेरे बाल ऐसे थे, ठीक है, और काटने के बाद दिस इज द आफ्टर, मेरे बाल अब ऐसे हो चुके हैं. मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई है, तो आई टेक शॉर्ट एंड आई बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सिंग. सो लेट्स गेट गोइंग. मैं नहा के मिलती हूँ. ओके एवरीवन, आई एम रेडी. मुझे नहीं पता कि मैं नेल्स कराऊंगी कि नहीं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है. बट एनीवे, मुझे ना मुंह में बड़ा अजीब अजीब सा टेस्ट आ रहा है, सो आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस स्प्रे मिंट दैट आई बॉट फ्रॉम नायका. ये वैसे ऐसे लोकल स्टोर पर भी मिल जाता है. वन ऑफ माई पेट पीव इज नॉट ओनली पीपल स्मेलिंग बैड, बट ऑल्सो देर ब्रेथ स्मेलिंग बैड. मैं जा रही हूँ टोनी एंड गाय वैक्सिंग के लिए. मैं हमेशा वहीं पे करवाती हूँ. मैं रीका वैक्स करवाऊंगी. मीट सीमा जी. हेलो. वो मेरा वैक्सिंग करेंगे. वो मुझे बोल रहे थे कि आप हमेशा लेग्स कराते हो, आज आप फुल हैंड्स एंड आर्म्स भी करा रहे हो. मैंने बोला अवार्ड नाइट पे जा रही हूँ मैं. गाइस सी बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर. आई थिंक ये डेढ़ महीने की ग्रोथ है मेरी. सीमा जी हैज डन सच फैबुलस वर्क. लेट्स कंटिन्यू. हो गए दोनों पैर, ऑयल लगा रहे अभी सीमा जी. अभी हाथ बचा है मेरा. बहुत सारा ग्रोथ लेके आई हूँ मैं. हैंड्स आर ऑल्सो डन नाइस एंड स्मूथ. ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ऐसा मुझे हो जाता है. दिस इज माई स्किन प्रॉब्लम, बट वो अभी काम डाउन हो जाएगा विद इन वन आवर. ओके, आई एम डन विद माई वैक्सिंग ट्रीटमेंट. आई एम गोना गो टू द नेल सलॉन एंड गेट माई नेल्स डन एज वेल. लुक कितने खराब हो रहे हैं. नेल एक्सटेंशन सोचा था बट वो हो नहीं पाएगा, तो जस्ट रेगुलर नेल पेंट करवा लूँगी. रीच्ड. इतनी बार दिखा दिया इनको मैंने कि अब तो मुझे लगता है इनको मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए. सो नेल एक्सटेंशन को 2 से 3 घंटा लगने वाला था. उतना समय तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने रेगुलर जेल नेल पेंट करवाया. दीज आर माई इंस्पिरेशन पिक्चर्स जो मैंने उनको दिखाया. सो बेसिकली जो मेरा बेस होने वाला था वो मॉव पिंक होने वाला था, और उसके ऊपर क्रोम नेल्स मैंने करवाए. इस पूरे प्रोसीजर को कुछ 45 मिनट्स लगा एंड 1600 वॉज द प्राइस. एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट. आई रियली लाइक इट. आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई नेल्स. और ये वाले नेल्स ना 20-25 डेज तक लास्ट कर सकते हैं. Hours later. नेल्स कराने के बाद मैं H&M गई थी, कैपिटल मॉल. वहाँ पे कुछ 1 घंटा मैंने स्पेंड किया. मुझे जो चीज चाहिए थी वो मैंने ले लिया वहाँ से. बेसिकली मुझे ये वाले क्लियर वाले स्लिपॉन्स लेने थे. ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है और मुझे मेरे साइज में मिल गया. I was so happy. So अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको वो सारे टॉप्स दिखाऊँ, नए टॉप्स जो मैंने मिंत्रा से खरीदे हैं. पर्टिकुलरली इस ट्रिप के लिए मैंने नहीं खरीदे, बेसिकली समर्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे कपड़े मैंने खरीदे थे. एंड आई नेवर गॉट दी चांस टू लाइक एक्चुअली वेयर देम बाहर. या दैट्स द रियलिटी ऑफ माई
माय लाइफ, घर ही में बैठी रहती हूँ मैं. सो लेट्स डू अ हॉल डिस्क्लेमर. ज्यादातर टॉप्स क्रॉप है बट दे आर नॉट लाइक मेजर क्रॉप. सो फर्स्ट वन इज दिस वेरी प्रिटी इंडिगो ऑफ शोल्डर टॉप बाय द ब्रांड थवी. इसका पैटर्न काफी सुंदर है, आप लोग देख सकते हो. दो डिफरेंट पैटर्न इसमें ऐड हुए हैं और यू नो स्लीव्स के पास फ्रिल्स ऐड किए उन्होंने. काफी सुंदर है ये टॉप, पहनने में काफी कंफर्टेबल लगता है. काफी ब्रीदेबल मटेरियल होता है कॉटन, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस. एंड आई लाइक द वे इट लुक्स ऑन माई बॉडी. नेक्स्ट वन इज सच अ ब्यूटिफुल क्रॉप टॉप. अब इसकी लेंथ ना थोड़ी छोटी है देन यूजुअल क्रॉप टॉप की लेंथ जो मुझे पसंद है, बट समहाउ आई लाइक द वे इट लुक्स ऑन माई बॉडी. सो आई मीन द साइज मीडियम फॉर दिस. इसका गला इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉप यू गाइस. इसका गला जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ मेरे बचपन के फ्रॉक्स. मैं ऐसे गले पहना करती थी. एंड पफी स्लीव्स हैं, काफी सुंदर लग रहा था ये मुझ पे. नेक्स्ट अप इज माई फेवरेट परचेज. मुझे मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं इसे स्टाइल कर सकूं, पहन सकूं. अगेन दिस इज अ क्रॉप टॉप बाय द ब्रांड एनिए एंड आई मीन द साइज लार्ज फॉर दिस. सो इसका मटेरियल एकदम सॉफ्ट शिफॉन मटेरियल है. फ्रिल डिटेल ऐड हुआ है सामने एंड अंदर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो इलास्टिक है इसमें, जिसकी वजह से इट इज वेरी वेरी स्ट्रेचेबल एंड दैट्स हाउ इट जस्ट फिट्स एंड हग्स माई बॉडी एट द राइट प्लेस. ओके लास्ट टॉप फ्रॉम मैंगो. दिस जस्ट रिमाइंड me of older Victorian time. This is such a cute top you guys. Now this is the priciest top that I'm showing you jo maine Myntra se liya. 1499 ka kuch pada after discount but mujhe kafi zyada pasand aa raha tha aur mujhe laga ki you know what, sometimes just buy things that you like a lot instead of buying like 10 things that you don't like. I love the length of this top, perfect length hai, na zyada bada na zyada chota. Crop top to nahi kahenge ise. Aur peplum hai isme but ekdam aise frills add nahi kiye peplum mein unhone, which I like. Love the top, love the color also on me. I wish they had this in like pink or baby pink in color, main wo bhi le leti. Last thing that I want to show you that I got from Myntra is this clutch. Ye jo award night hone wale na kal, uske liye maine mangaya tha aur mujhe to kafi zyada pasand aaya. Mujhe laga tha शायद वो मैच नहीं होगा मेरे आउटफिट के साथ बट ये एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है. सो दिस इज बाय द ब्रांड बेब और इसका ओरिजिनल प्राइस इज 3099 रुपीज, बट मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट और सेल में मिल गया. ओके नाउ आई हैव मिसलेनियस कैटेगरी. ये वो सारी चीजें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैं आज लेके आई. सबसे पहले मैं गई थी गहना, ठीक है. इट्स अ स्टोर इन दसमर मार्केट भोपाल जहाँ से मैं ज्वेलरी खरीदना पसंद करती हूँ. वो लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते पहली बात. मैं हमेशा बोलती हूँ भैया दे दो यार डिस्काउंट, पर कुछ नहीं देते. सो मेरे ओरिजिनल प्राइस में ये ज्वेलरी खरीदे. क्वालिटी काफी अच्छी होती है उनकी. सो सबसे पहले ये एडी के रूबी ड्रॉप इयररिंग्स कितने सुंदर है ये. मैंने अपनी ड्रेस के साथ पहनने के लिए इसे लिया है. देखते से ही पसंद आ गया था. इट्स लाइक अ स्टेटमेंट इयररिंग. मैं इसको वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट दोनों के साथ पहन सकती हूँ. इसका ओरिजिनल प्राइस 1795 रुपीज. यस इट इज प्राइसी फॉर श्योर बट मुझे एक चीज पता है कि I'm gonna make use of this a lot and this is gonna go in my special jewelry collection that I have. पिंक वाला भी पसंद आ गया तो मुझे येलो वाला भी पसंद आ गया तो मैंने येलो वाला भी ले लिया. इसका कॉस्ट है 1225 रुपीज. देन आई गॉट दी स्टड कोल की इयररिंग्स. मुझे ना इसका ओरिजिनल नाम जो उन्होंने बोला था वो याद नहीं आ रहा है. जब उन्होंने मुझे ये दिखाया और मैंने पहना तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड आई वाज लाइक प्रॉब्ली नॉट विद द ड्रेस दैट आई एम गोना वेयर टुमारो बट किसी और के साथ तो डेफिनेटली काम आ जाएगा. देन आई गॉट वेगा का आई लैश कलर जो मेरे ऑलरेडी लिस्ट में था, सामान जो मुझे खरीदना वाले लिस्ट में. एंड लास्टली आई गॉट सम स्नैक्स. दीज आर मैक्स प्रोटीन कुकी एंड अ प्रोटीन बार. ओके दैट्स एवरीथिंग. नाउ लेट्स जस्ट गो फिनिश द पैकिंग. आई आल्सो नीड टू फिनिश द ग्लो अप. ओके तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे स्किन केयर और एसेंशियल्स हैं जो कि कपड़े नहीं है वो मैं कैसे पैक करती हूँ. सो आई गॉट दीज पाउचेस और ये अमेजोन से. ये ना ऐसे सेट में आता है ट्रैवल पाउच के सेट में. सो दीज टू हैज माई शूज. एक में रेगुलर स्लिपॉन्स और एक में हील्स है जो मैं कैरी करूंगी. एंड दिस वन हैज माई मेकअप. दिस पाउच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. ये स्पॉन्ज वाला है सो दिस गोना प्रोटेक्ट my makeup. That pouch has all of my skincare. One more thing. So whenever I'm packing my skincare or makeup for only like 5-6 days, मैं ऐसे छोटे छोटे डिब्बियाँ जिसका प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, जैसे ये बिलीव का डिब्बा है बट इसमें बिलीव का प्रोडक्ट नहीं है. इसमें दूसरा फेस मॉइस्चराइजर है दैट इज बाय फेस शॉप, उसका मॉइस्चर इमर्शन. जैसे ये मेरा फेवरेट टोनर मैंने इसमें पैक कर दिया ट्रैवल साइज में. आई ऑल्सो लाइक टू कैरी ट्रैवल साइज प्रोडक्ट जैसे कि ये नेल पेंट रिमूवर. और मैं सारे प्रोडक्ट जिसमें भी लीकेज के चांसेस है ना उसमें ऐसे टेप लगा देती हूँ. आई लाइक टू कैरी दैट टेप एज वेल. नाउ दिस पाउच हैज ऑल ऑफ माई बॉडी केयर. अब ये ना कुशनिंग वाला नहीं है पाउच सो आई डोंट फील लाइक कीपिंग माई मेकअप इन दिस. नाउ दिस वन हैज माई ज्वेलरी. तो छोटे छोटे डब्बे में प्लास्टिक के डब्बे में मैंने अपने ज्वेलरीज पैक किए हैं. एंड आई एम कैरिंग टू परफ्यूम्स. ये वॉलेट वाला मैंने भी पहन का मान लिया. एंड दिस नाइटफॉल एंड सम बूब टिप्स एंड सिलिकॉन बूब स्टिकॉन्स. नाउ कमिंग टू मैंने अपने कपड़े कैसे पैक किए हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवल पाउचेस मैंने अमेजोन से लिए थे. सो आई हैव 3 ट्रैवल पाउचेस विथ मी. पहले वाले में मैंने अपने जितने भी अच्छे कपड़े कैजुअल आउटफिट जीन्स टॉप्स वगैरह पैक कर लिया और काफी अच्छे से पैक हो जाते हैं, सब फिट हो जाता है.
ठीक है, और आपको कुछ चाहिए तो बस आप ऐसे निकाल के फिर ढूंढ लो, वापस भर लो। एंड देन देयर इज अनदर पाव जिसमें और कपड़े लूजी पूजी से, एंड माय फेस टॉल, हेयर टॉल, बॉडी टॉल, एंड दिस वन हैज ऑल ऑफ माय लॉन्जरी, एंड वी आर ऑल नाइसली packed. A few moments later. Okay, so I took a nap. उठ के मैंने शार भी ले लिया. So face के लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई. But I do want to mask because I feel like it just really helps my skin. और जिस climate में मैं जा रही हूँ, it is gonna clog my pores for sure. So I'll be using this mask. This is a detan mask by Salon in a Box. This is very gentle on the skin. मैंने इतना लिया है and पूरे face पे spread. ओके, सो आई नीड टू कीप दिस फॉर 15 मिनट्स. सब मास्क निकालने का समय आ चुका है, लेट्स डू दैट. ऑलरेडी काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ मैं. रेगुलर वाटर से फिर से धो के आती हूँ, देन आई एम गोना डू माय स्किन केयर. ओके, आई एम बैक. पैड्रा कर लिया स्किन को, लिप बाम अप्लाई करूँगी मैं. डैम स्किन पे मैं हेलोरोनिक एसिड सीरम अप्लाई कर रही हूँ, दिस इज बाय डॉक्टर शेड्स. टेकिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस. नेक्स्ट अप दिस सेरामाइड मॉइस्चराइजर बाय फेस शॉप. फेस पे, अंडर आईज पे, नेक पे, लिप्स के आसपास एकदम डूई ग्लोई हो गया ना मेरा फेस. पर ऐसा भी नहीं है कि ना ये डूइनेस या ग्लोइनेस एकदम चिपचिप या ऑयली लगता है. इट जस्ट कम्स विद इन फ्रॉम द स्किन. आई थिंक द मास्किंग रियली हेल्प्स, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स ना डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज दैट वॉज द फ्रूट AHA मास्क दैट आई अप्लाइड. ओके, बालों को मैं ब्लो ड्राई करने वाली हूँ. मेरे मिड लेंथ बाल, सबसे पहले हीट प्रोटेक्टेंट अप्लाई कर दिया. Now let's comb them and apply a good hair serum specially for the lens to protect my lens and also to provide shine to my ends. एक एल्सेविर सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज़ टोटली वर्थ द हाइप. ये फ्रिजीनेस से प्रोटेक्ट करता है, शाइन ऐड करता है, इट डजेंट मेक योर हेयर चिप चिप और ऑयली. लव द फील ऑफ दिस सीरम. और मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है शॉर्ट हेयर ना मुझ पर सूट कर रहा है. इट मेक्स मी लुक यंगर. द नेक्स्ट डे होटल में आ चुकी हूँ, मुंबई में पहुंच चुकी हूँ. दिस इज सेंट रेजिस होटल जहाँ पे हमें ठहराया गया है. सो अब इवनिंग में अवार्ड शुरू होने वाले हैं. मेकअप और आउटफिट भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यार ग्लो अप किया है अवार्ड के लिए थोड़ा सा, तो क्यों ना मेकअप भी इंक्लूड कर ले. थोड़ा सा क्योटिक हो सकता है, डोंट माइंड दैट, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया कि क्या मुझे स्पेसिफिकली मेकअप करना चाहिए. बट आई वॉन्ट टू गेट रेडी क्विकली, क्योंकि मेरा और हिमाद्रि का ट्रांजिशन भी है. सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी. मैंने स्किन प्रेप अच्छे से कर लिया, मैंने आइसिंग भी कर लिया पूरे फेस को. सो आप लोगों ने देखा कुछ फुटेज करप्टेड है. जब मैंने प्राइमर अप्लाई किया था वो फुटेज काफी ज्यादा करप्टेड था, तो मैंने उसे इंक्लूड करना सही नहीं समझा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइमर का नाम दे दूंगी. के बाद मैंने कलर करेक्टर यूज किया. सबसे पहले मैंने एक ऑरेंज कलर करेक्टर में कंसीलर मिक्स किया, एंड देन आई अप्लाइड दैट अंडर माय आईज, अराउंड माय लिप्स, और जहां जहां डार्क स्पॉट्स एक्ने मार्क्स थे वहां वहां अप्लाई किया, एंड देन आई ब्लेंडेड दैट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स. उसके बाद एक क्लीन टिश्यू की मदद से मैंने उसे सेट किया टैप टैप करके. फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी टू फेस्ड बॉन्डी से फाउंडेशन इन द शेड प्रलाइन. ये फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है, कलर मैच काफी अच्छा है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बेस्ट पार्ट. इसकी वजह से मैं ये से यूज कर रही हूँ. तो मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई किया, नेक पे अप्लाई किया, एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ माय फाउंडेशन ब्रश. उसके बाद थोड़ा सा कंसीलर अपने आईज पे अप्लाई करूंगी टू कलर करेक्ट. गोइंग टू ब्लेंड इट एंड गोइंग टू सेट इट विद द हेल्प ऑफ अ लूज पाउडर, क्योंकि अभी हम लोग बोल्ड आईज करने वाले. पहले आईज कर लेंगे, उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे अंडर द आईज. आईज के लिए मैं यूज करूंगी हुडा का मर्क्यूरी रेट्रोगेट पैलेट. मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में एक लाइट मॉव कलर लेके अपने क्रीज पे और हल्का सा अबव माय क्रीज एज ए ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद के ब्यूटी का काजल लेके एज अ आई लाइनर मैं इसे अप्लाई करूंगी. थिक लाइन अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद तुरंत मैं उसे ब्लेंड करूंगी एक फ्लैट स्मजर ब्रश की मदद से. जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि मैं आईलिड की तरफ उसे लेके जा रही हूँ. अब मैं उसी स्मजर ब्रश में लूंगी शेड वर्टेक्स, विच इज अ डार्क पर्पल कलर, और जहां पे मैंने काजल को स्मज करके एंड किया है लाइन, वहां इस शेड को पहले पैट करूंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट स्मजिंग इट टुवर्ड्स माय आईलिड. बेसिकली एक ग्रेडियंट लुक चाहिए, डार्क से लाइट होना चाहिए सब कुछ. वही फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने अपना लाइट मॉव कलर लिया एंड अप्लाइंग दैट ऑन द ट्रांजिशन, मेकिंग श्योर देयर इज नो हार्श लाइन. फिर मैंने लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई किया, लैश लाइन पे अप्लाई किया है, वाटर लाइन पे अप्लाई नहीं किया. फिर एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैंने इसे स्मज किया. एक थिक स्मजिंग लाइन चाहिए मुझे. उसके बाद उसी स्मजिंग लाइन को सेट करने के लिए मैंने यूज किया शेड वर्टेक्स. फिर मैंने यूज किया मेबलिन एजीवाइन कंसीलर इन द शेड कैरेमल. डॉट डॉट करके अंडर आईज पे अप्लाई किया नोज के आसपास, क्योंकि वहां पे आई शैडो का फॉल आउट था, मुझे वो करेक्ट करना था. एंड आई एम गोना ब्लेंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ माय कंसीलर ब्रश. इतना क्लीन लुक आता है ना जब आप पहले स्मोकी आईज कर लेते हो, उसके बाद कंसीलर अप्लाई करते हो या हाईलाइट करते हो अंडर योर आईज. बोल्ड आईज रखा है तो हाईलाइट करूंगी अंडर माय आईज. एक लाइटर शेड का कंसीलर लेके अंडर आईज पे थोड़ा सा अप्लाई किया, चीक बोन्स पे और नोज पे अप्लाई करने के बाद अपने
अपने कंसीलर ब्रश की मदद से मैं अंडर आईज को और नोज को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद टिंटेड लूज पाउडर की मदद से अंडर आईज को सेट करूंगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कोई भी क्रीसिंग नहीं चाहिए मुझे अंडर आईज पे, तो हल्के हल्के हाथों से मैंने सेट किया है, टेकिंग माई ओन टाइम। फिर फाउंडेशन ब्रश की मदद से जो चीक्स मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उससे ब्लेंड किया। उसके बाद पूरे फेस को मैं लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू मेक माई मेकअप लास्ट लॉन्गर एंड ऑल्सो टू मेक इट लुक गुड ऑन माई स्किन। पाउडर से सेट करने के बाद मैं सेटिंग स्प्रे की मदद से भी अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। मैं दो बार अपने फेस को सेट करूंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेटिंग माई फेस। ब्रॉन्जर की मदद से पूरे फेस को मैं कॉन्टोर करूंगी। आई एम गोइंग लिटिल हैवी विद द कॉन्टोर क्योंकि फोटोज में और वीडियोज में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एनीवे दिस इज पाउडर कॉन्टोर दैट आई एम यूजिंग, तो जितना अभी दिख रहा है ना उससे कम हो जाएगा ये विद इन लाइक 1 आवर और सो। सो फिश फेस बनाने के बाद मैंने अपने चीक्स को, हेयरलाइन को, अपने जॉलाइन और नेक को अच्छे से कॉन्टोर किया। छोटे से ब्रश की मदद से मैंने कॉन्टोर प्रोडक्ट पिक करके दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया अपने नोज पे। एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दैट विद द हेल्प ऑफ माय पिंकी फिंगर। ये ब्यूटी काजल की मदद से वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ, लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन। आई एम गोइंग टू टॉप इट ऑफ विद ब्लू काजल। सो ब्लैक और ब्लू मिलके मुझे एक नेवी ब्लू काइंड ऑफ अ कलर देंगे दैट इज गोना मैच विद माय आउटफिट। अप्लाइंग दैट ब्लू काजल वेरी क्लोज टू माय अपर लैश लाइन एंड हल्का से मैं उसे स्मच कर रही हूँ जस्ट टू सी की वेदर आई वॉन्ट टू गो विद दिस ब्लू ऑल ओवर माई आईलिड। बट आई वॉज लाइक नहीं नहीं कुछ और करेंगे। उसके बाद एक प्रिसाइज आईब्रो पेंसिल की मदद से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। माई आईब्रोज आर माई प्रोमिनेंट फीचर सो आई टुक माई स्वीट लिटिल टाइम टू फिल देम, मेक देम लुक गुड फुलर। लोगों ने देखा इसको लेके आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर दैट वेदर आई वॉन्ट टू कीप इट मैट और टू बोल्ड, वॉन्ट टू एड ग्लिटर ऑन नॉट। सो इसलिए आई वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ विद माई फेस, माई आईब्रोज, उसके बाद फिर बैक टू आईज। एनीवे अब मैं अपने आईब्रोज को सेट करूंगी यूजिंग आईब्रो मस्कारा। दिस गोना मेक श्योर माई आईब्रोज आर गोना बी इंटैक्ट और ऐसे के ऐसे दिखे। स्टेप आई अप्लाइड फॉल्सीज। दिस पर्टिकुलर फॉल्सीज लुक गुड ऑन माई आई शेप। मैं इसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद जो ब्लू काजल था मैंने एज अ आई लाइनर फॉल्सीज के बैंड के ऊपर अप्लाई किया टू हाइड दैट एंड इट जस्ट एडेड सम ओम्फ फैक्टर ऑल्सो टू माई आईज विच आई लाइक। अब बारी आती है ब्लश। पहले मैंने ये पीच मैट कलर का ब्लश यूज किया था विच वॉज नॉट गोइंग वेल विद द आईज। फिर मैंने यूज किया ये रोज पिंक कलर का ब्लश विच वॉज गोइंग सो वेल विद द आईज। सो अच्छे से चीक्स पे, नोज पे, चिन पे मैंने पहले ब्लश को अप्लाई किया। आई एम गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड। ब्लश इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोना फेड अवे फ्रॉम माई फेस। सो थोड़ा सा ओवरबोर्ड में गई बट उसको भी मैंने टोन डाउन कर दिया एंड आई फेल्ट लाइक मुझे उसे टोन डाउन नहीं करना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि 2-3 घंटे में ब्लश तो एकदम फेड अवे ही हो गया था मेरे फेस से। बट एनीवे दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना रिमेंबर नॉट टू टोन डाउन टू मच ऑफ द ब्लश। उसके बाद आई एम सेटिंग माई एंटायर फेस नाउ यूजिंग माई सेटिंग स्प्रे। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं दो बार यूज करूंगी सेटिंग स्प्रे। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम यूजिंग टू सेट माई कॉन्टोर, माई ब्लश, एवरीथिंग। अच्छे से पूरे फेस को सेट करने के बाद हाईलाइटर अप्लाई करो तो और अच्छे से निखर के आता है हाईलाइटर। सो अप्लाई दैट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस दैट इज माय चीकबोन्स, आल्सो ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज, अपने फिंगर्स की मदद से ऑन द आईब्रो आर्क एरिया। फिर पेंसिल ब्रश की मदद से मैंने वो मॉफ पिंक कलर पिक किया जो मैंने अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था, अप्लाई दैट ऑन द लोअर लैश लाइन। फिर मैंने पैलेट में से पिक किया ये कलर कॉस्मिक ऑन माय फिंगर एंड अप्लाई दैट ऑल ओवर माय आईलिड। पहले मैं श्योर नहीं थी वेदर आई वॉन्ट टू कीप माई आईज मैट और आई वॉन्ट टू एड शिमर और ग्लिटर एंड दिस वॉज अ great decision. Everybody was complimenting my eyes. Fake or real lashes ko blend karne ke liye mascara apply kiya. Phir lower lashes pe bhi maine mascara apply kiya. Uske baad ek brown lip liner ki madad se apne lips ko outline kiya aur fill kiya apne lower lips ko halka halka. And then I used this muted mauve pink color called Sugar and Spice by Eba Cosmetics. And then I felt ki lipstick ka color kafi cool tone ho gaya. I wanted to keep it little bit of warm. So maine Carnation Nude Lipstick by Mamaearth wo dab dab karke apply kiya apne lips pe. Bahut zyada product हो गया था लिपस्टिक का तो उसे रिमूव करने के लिए मैंने एक टिश्यू का यूज किया एंड दिस वाज अ ग्रेट डिसीजन। आई फेल्ट कि इन द एंड लिपस्टिक जैसा मुझे चाहिए था टू मैच विद माय आईज, माय आउटफिट, वो मिल गया मुझे। ओके एवरीवन, सो दिस इज माय फाइनल मेकअप एंड आउटफिट ज्वेलरी। आई रियली लाइक द वे इट इज लुकिंग ऑन माय फेस। डेफिनेटली हैज डन नथिंग मेजर विद द हेयर। आई विश मुझे कुछ अच्छा करना आता और मेरे पास समय भी नहीं है बेसिकली। आई गॉट दिस आउटफिट फ्रॉम मिंत्रा, ब्रांड है अर्बन रिवेरो। काफी अच्छा सेक्सी सा आउटफिट है, काफी एरी फ्लोई ब्रीजी सा भी है। हील्स भी मिंत्रा से है। मैंने जो क्लच लिया था ना वो हील्स के साथ काफी अच्छे से जा रहे थे। दिस वॉज द लुक एंड वीडियो फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।